प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। जींद जिले के नरवाना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बिमला ने बताया कि महिलाओं में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया जा सके और वे खुद के साथ साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को और जिसके पहला फर्स्ट किस्त तो है 1000 रुपया और दूसरी है जो 2000, तीसरी और 2000 और 5000 इस स्कीम के लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना के तहत धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाती है और ये राशि उन्हें 3 किस्तों में दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने में आशा कार्यकर्ता मदद करती है। पंजीकरण के बाद दूसरी 6 महीने के बाद और तीसरा बच्चा होने के बाद भी स्कीम बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं सरकार को कि हमें और नई नई स्कीमें दी जाएं जिसे हम लाभ उठा सकें। हमने यहाँ गढ़वाली मकान बनाता मातृ वंदना योजना के तहत हमें एक किस्त पहले बच्चे होने के पहले मिली और 6 महीने के बाद मिली, फिर एक बच्चे होने के बाद मिली। ये बहुत अच्छी एक योजना है। हम सरकार से अनुरोध करते कि ऐसा योजना चलाए रखें। हमारा आंगनबाड़ी में बुलवाया था जो कि 1000 रुपये आए थे पहले और फिर 6 महीने बाद आए थे और फिर बच्चा होने के बाद आए। ये बहुत अच्छी योजना है सर, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। मैंने पहला फार्म भरा आंगनबाड़ी में तो मैंने 1000 रुपये मिले और दो दूसरा फार्म भरा फिर मैंने 2000 रुपये मिले, फिर मेरे बच्चे होने के बाद मुझे सारे पैसे मिले। 1000 मिले जी दोस्त में जी, 2000 फिर मिले जी, फिर लड़कियों में।